और ये ज़्यादातर इस एरिया में जम्मू कश्मीर के लोग रहते हैं और इनके बहुत सारे रिश्तेदार भी इस एरिया में रहते हैं। ये वही जगह है दिल्ली 6 नई दिल्ली स्टेशन है मेरे बाईं तरफ और ये है मस्जिद रामला मैदान के नज़दीक। और ये देखिए भीड़ भाड़ का एरिया, काफ़ी सारा भीड़ भाड़। और ये CRP भी अपनी ड्यूटी देती हुई इस एरिया में, बिल्कुल चौराहे में खड़ा हूँ मैं अभी और मैं निकल रहा हूँ अपने मीडिया सर्वे पर। आज कल की मैं बात करूँ जो जम्मू कश्मीर को लेकर के जो सरकार ने 370 हटाया है और साथ में वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं जबकि पहले 7 थे और स्टेट 29 में से 28 हो गए हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक बना है टेरिटोरी। तो क्या कहना है लोगों को, इस सर्वे पर हम आज निकले हुए हैं। बिल्कुल दिल्ली एरिया में हूँ और जहाँ पर कि बहुत सारी मुस्लिम आबादी भी रहती है, बहुत सारे कश्मीर के लोग भी रहते हैं उस एरिया में। देखिए मैं अपनी मुहिम को आगे बढ़ा रहा हूँ और देखिए बहुत सारे लोगों का आना जाना बना हुआ, बहुत सारे लोग बुरके में और नज़र आ रहे हैं मुझे। और देखिए बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर जा रही हैं और मैं यदि अपना कैमरा सामने लगाता हूँ तो बहुत सारी मंजिल मुझे नज़र आ रही है। देखिए आप, बहुत भीड़ भड़ाका एरिया है इस एरिया में और जब मैं इस एरिया में बढ़ रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लोग भी देखने को मिले कि जिन्होंने बहुत बड़े बड़े बकरे पाल रखे हैं। कहीं ना कहीं वो लोगों का कहना है कि वो जो हैं कुर्बानी के लिए जो बकरा रखा जाता है। ये देखिए आप यहाँ पर एक यहाँ पर ये देखिए इस टाइप का। आज हम अपने सर्वे पे निकले हुए हैं और पूछ रहे लोगों से क्या कहना है लोगों को। ये देखिए बहुत सारी महिलाएं इस एरिया में बुरके में भी नज़र आ रही हैं। हाँ भाई जी, आपका किस जगह पर खड़े हैं आप अभी? और ये पी मोला साहब हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपका एक ही हाथ है, ये देखिए आप, इनका एक हाथ है और ये यहाँ पर भीख मांग रहे हैं। क्या कब से आप यहाँ पर रहते हैं? यहीं पर रहते हैं आप इस एरिया में? तो आप यहीं पर रहते हैं क्या सर? मंगल सारा है। आपको पेंशन वगैरह मिलती है सरकार की? क्यों, तो आपका यहाँ नाम नहीं चढ़ा हुआ क्या? कहाँ के रहने वाले आप? मंगल सारा। तो आपने नाम नहीं चढ़ाया, चलिए कहीं ना कहीं उम्मीद करेंगे आप नाम चढ़ा। देखिए जब नई दिल्ली में पहुँचता मुझे एक यहाँ पर मिलते हैं। क्या नाम है साहब आपका? और ये देखिए मुझे जब नई दिल्ली में मैं पहुंचता हूँ, बिल्कुल मस्जिद के सामने हूँ मैं और मैं इनसे पूछ के देखता हूँ कि क्या कहना आपका। आप देख रहे कल 7 से 9 जो है केंद्र शासित बन गए हैं, क्या बोलेंगे आप जम्मू कश्मीर के लेकर के सरकारी पॉलिसी? उसके लिए अच्छा हो गया। कैसे मान सकते आप अच्छा हो गया? इसके लिए कल को बाहर के लोगों को वहाँ अपने जाके रहना सहना हो सकता है। राइट, बाहर के लोग भी वहाँ अपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, इनका कहने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है और मैं पूछ के देखता अपनी मुहिम को आगे बढ़। और आज ये बारिश का मौसम है, पूरा लग रहा कि बारिश हो रही है, धीरे धीरे बारिश चालू हो गई दिल्ली में, नई दिल्ली में। भी मैं अपनी सर्वे को लेकर के, क्या नाम है साहब आपका? हमारा मुस्तकीम नाम। मस्किन साहब क्या बोलना चाहेंगे आप जो कल आप देख रहे की, क्या बोलना चाहते हैं आप उस बारे में, क्या बोलेंगे आप अभी आप देख रहे हैं? क्या बोलना चाहेंगे आप मियां जी इस बारे में? अच्छा ही करा है, अच्छा किया है, कहीं ना कहीं वहाँ पर क्यों आप कह सकते हैं कि अच्छा है? अच्छा यही है कि देखो जी, वहाँ पर जो जितने भी ये झगड़े फिसाद चल रहे थे, अभी चीज़ को एक साइड करते हुए जो इसको अच्छा हो, उसको अच्छा ही कहेंगे हम। राइट, अब मियाँ जी आप किस एरिया में खड़े हैं अभी? आप कौन सा तुरकमान गेट एरिया में खड़े हैं? इस एरिया में बहुत सारे लोग वहाँ के रहते हैं शायद, बहुत से लोग रहते हैं वहाँ के, कश्मीर के बहुत लोग रहते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या बोलेंगे आप उन लोगों को आखिरकार? उनके लिए तो हम यही बोलेंगे अच्छा है कि यहाँ पर आते हैं वो अपने कारोबार के सिलसिले में, और फिर कारोबार अपने करके और फिर अपने चले जाते हैं कश्मीर। और ये देखिए एक मियाँ जी का कहना है, बिल्कुल मैं अभी नई दिल्ली में हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा और सरकार के स्टेप, सरकार की तारीफ करनी होगी इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद मियाँ जी। और ये बारिश चालू हो गई है देखिए आप, और मैं अपनी मुहिम को आगे बढ़ा रहा हूँ इसी के साथ नई दिल्ली से। और देखिए महेश बोगड़ा की ये आज मेरी एक सर्वे रिपोर्ट 29 से 28 स्टेट बनने पर और 2 जो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं उस पर क्या कह रही है जनता।